बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों इस चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे हिंदी भाषी दर्शकों के लिए, और टॉपिक का नाम है विंड लोड, जिसका मतलब है हवा का दबाव या हवा का भार हमारी एग्जिस्टिंग या पहले से बनी हुई बिल्डिंगों पर। सो जैसे ही हम बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, हमारा विंड लोड जो हवा का दबाव है वो भी उसी के साथ बढ़ता चला जाता है। सो इसमें आप वैसे भी समझ सकते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है सकारात्मक जिसे पॉजिटिव विंड लोड कहते हैं, और दूसरा है नकारात्मक जिसे हम नेगेटिव विंड लोड भी कहते हैं। सो इसमें आप जब भी देखें तो पॉजिटिव जो है, जो सकारात्मक है, वो नेगेटिव से हमेशा कम रहता है। और इसी को बताने के लिए मैं एक बार एक छोटा सा वीडियो बना के हैंड स्केच वो भी दिखाऊंगा। और जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते थे तब हमें बताया जाता था कि कोई भी हवा के भीतर का पार्टिकल अपना रास्ता बदलना नहीं चाहता, अपना वो एक लाइन पकड़ के चलता है। और उसका जो सबसे पहला जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको बोलते हैं रुकावट, वो आपका फसाड हो जाता है, वो आपकी बिल्डिंग हो जाती है। ध्यान से देखें इस वीडियो को जहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ एक बिल्डिंग टावर, स्पेसिफिक टावर एरिया, और उसका पार्किंग जिसे हम यहाँ पे पोडियम भी कहते हैं, जहाँ पे कार पार्क हो सकते हैं या फिर शॉपिंग के लिए रिटेल आउटलेट्स भी हो सकते हैं। सो ज़्यादा करके क्या होता है कि हवा जो है वो चौतरफे आती है, यानी कि चारों तरफ से कभी भी किसी वक्त भी कितनी भी ज़ोर से। सो सकारात्मक में क्या होता है कि आपको कांच जो है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ दिखेगा, बेंड हुआ हुआ दिखेगा। समझो ये एक पार्टिकल है हवा के अंदर जो बह रहा है। अब ये जो है ये अपना रास्ता जो है ये बदलना नहीं चाहता, सो ये क्या करेगा, ये सीधा जाके ठोकर मार के सीधा वापस अपना रास्ता पकड़ लेना चाहेगा। कभी वो दाहिने से ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बाएं से भी जा सकता है। सो आप देखें ऐसे बाएं से भी जा सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ दाएं और बाएं जाए, वो बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से भी निकल के जा सकता है, जिसके तहत वो ऊपर जो लगे हुए रूफिंग रहेंगे उसको लेके जाएगा अपने साथ। सो अब इस इन सबको ध्यान से देखते चलें तो आपको पता चलेगा कि जब ये कांच आपका सीधा कांच इस तरह बेंड होगा, अंदर की ओर झुकेगा, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक विंड लोड, हवा का दबाव। और जब हम उसे ही बाहर की ओर फुग्गे की तरह, एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ देखें, तो उसे हम कहेंगे नकारात्मक विंड लोड। सो नेगेटिव विंड लोड हमेशा पॉजिटिव से ज़्यादा रहेगा। और जब भी हम कॉर्नर के पैनल्स डिज़ाइन करते हैं तो वो जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हो जाता है, क्योंकि एज पर IS 875 एक एलिवेशन में 50% तक नेगेटिव विंड लोड एक्ट हो सकता है। और ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ वीडियो में, नकारात्मक जो विंड लोड है, नेगेटिव विंड लोड, वो पॉजिटिव से ज़्यादा ही होगा। अब जब भी ये कॉर्नर वाला हम पैनल डिज़ाइन करते हैं तो होता क्या है कि ये ही सबसे पहले हवा के दबाव के कारण ये उखाड़ के ले जाना चाहती है हवा अपने साथ ही। और ये बहुत एक गलतफहमी है लोगों में कि नकारात्मक हवा का दबाव लोगों के भीतरी लोगों से आता है। अब वापस से हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत टेक्निकल बातें होगी। अगर किसी नॉर्मल आदमी को पता लगाना हो विंड लोड क्या है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप
सोचें कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक राजधानी जा रही है। सो उसके साथ काफ़ी पेपर और हल्की चीज़ें उड़ती दिखाई देती हैं। तो जो उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और जो आपको एक एक खिंचाव सा महसूस होता है राजधानी के प्रति प्लेटफॉर्म से, उसे हम कहते हैं नेगेटिव विंड लोड। वो जो खिंचाव है, या फिर आप बाइक चला रहे हैं और जस्ट एकदम बगल से ही एक बड़ी सी बस या फिर एक ट्रेलर पसार हो जाता है, तो आपको उसकी तरफ एक झुकाव सा महसूस होता है, एक खिंचाव सा महसूस होता है, वो नकारात्मक विंड लोड है। सो यही जो चीज़ है नकारात्मक विंड लोड की, यही जब फसाड़ पे एक्ट होती है, फसाड़ पे इसका दबाव आता है, तो ये पूरा का पूरा पैनल जो है ये उखाड़ के अपने साथ ले जाना चाहती है। और जब हवा ऐसे आके फसाड़ को लगती है और कांच ऐसे अंदर की तरफ बेंड होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक विंड लोड। और जहां वो नेगेटिव, जहां पे वो अंदर की ओर दबेगा, बाहर अंदर की ओर दबेगा, उसे कहेंगे सकारात्मक। और जब वो गुब्बारे की तरफ फूल जाएगा तब उसे कहेंगे नकारात्मक विंड लोड। ठीक है, कोई भी आपको डाउट आता है इन चीज़ों को लेकर, तो कृपया कमेंट में अपनी प्रश्न का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हम कोशिश करेंगे उसे अगले वीडियो में जवाब देने के लिए। और हमेशा याद रखें, जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हों तो विंड लोड आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एल्यूमिनियम कंजम्पशन को काबू में रखने के लिए। ये सारा कुछ देखते हुए हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के अंत में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।